Assalamualaikum, my name is Shadi Dattar and I am here to teach you physics class 9th. आज हम chapter number 1 physical quantities and measurement topic है हमारा 1.2 physical quantities. Physical quantities क्या होता है? All measurable quantities are called physical quantities. यानी हर वो ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सके वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. लेट्स सपोज देखते हैं लेंथ है, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास मास है, मास को भी मेजर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास टाइम, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं. यहाँ देखते हैं कि किस तरह इन चीजों को हम मेजर करते हैं. लेट्स बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. क्या इसका ये देखिए मैं यहां लिखता हूं 104. ये हमें क्लियर नहीं कर रहा कि 104 क्या, तो मैं आगे लिख देता हूं सेंटीमीटर. तो क्या क्या बना कि 104 सेंटीमीटर, यानी किसी भी चीज की लंबाई जो हम बयान कर रहे हैं कि वो कितनी है, 104 सेंटीमीटर. इसको मुकम्मल करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है. जो ये पहला पार्ट है ये इसे क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल. और जो ये दूसरा पार्ट है इसे हम बोलते हैं यूनिट. जब कोई भी वैल्यू है उसको लेंथ में ले गएंगे तो ये हमें लिखना पड़ेगा आगे. जिस तरह हम इसकी जगह लिख देते हैं किलोमीटर, तो फिर भी हमें ये मालूम है कि ये इतने किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम, जो ये न्यूमेरिकल है इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं. लेट्स गो नेक्स्ट देखते हैं. मास है हमारे पास, तो मैं एक शॉप शॉप पे जाता हूँ, उससे जाकर कहता हूँ कि मुझे 5 चीनी दे दो. तीन क्या कि मैं उस कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहा दुकान वाले का कि मुझे 5 क्या चाहिए, 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, 5 पैकेट चीनी चाहिए. ये 5 क्या है, 5 चीनी क्या है, 5 दाने चीनी के क्या है 5. तो मैं उसे बताऊंगा जाके मुझे 5 केजी शुगर चाहिए. तो यहां पे मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, पहली न्यूमेरिकल और दूसरा उसका यूनिट. तब जाके उसका समझ आएगी कि हाँ 5 किलो शुगर चीनी चाहिए, 5 किलो शुगर चाहिए. तो वो दुकान वाला क्या करेगा कि मुझे 5 किलो चीनी तोल के. आगे हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. पहली जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी. बेस क्वांटिटी के नाम से ही जाहिर है कि बेस का मतलब है कोई भी, लेट्स सपोज कोई एक बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी बेस बनाता है. बेस बन जाए तो फिर उसके ऊपर जितनी चाहे दिल करे तो उतनी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी कर ले, मगर उसकी बेस का मजबूत होना लाजमी है. तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास टोटल 7 है. लेंथ जो सबसे पहले है हमारी, पीछे भी हमने इसको मजीद डिस्कस किया है. मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. ये ऐसी 7 बेस क्वांटिटीज है जो किसी से मिलकर नहीं बनी. ये हर किसी चीज की बेस है, वो जो बेस क्वांटिटीज वो 7 है वो ये है. उसके बाद हम देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी. ड्राइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज के मिलने के बाद जो चीज प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी. यानी बेस क्वांटिटी से मिलके जो आगे क्वांटिटी बनती है उसे ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है. इसमें सबसे पहले है स्पीड है, एक्सीलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है और चार्ज है. अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा कि किस तरह बेस क्वांटिटी से मिलने से, बेस क्वांटिटी के मिलने से ड्राइव क्वांटिटी वजूद में आई है, प्रोड्यूस हो रही है. तो इंशाल्लाह इसको मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. लेट्स सपोज जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाके शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 5 चावल दे दे, तो वो क्या 5 क्या है, चावल क्या है, 5 पैकेट चावल है या 5 किलो चावल है या 5 दाने चावल है, कितने चावल है.
तो आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि मैं यहाँ एक तराजू बनाता हूँ, ये लेट्स सपोज हमारे पास तराजू है, तराजू था, तो मैं उसे जाके कहूंगा कि मुझे 5 किलो चावल दे, तो वो क्या करता है कि यहाँ एक स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं किलोग्राम, यहाँ कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं, जिस तरह चीनी रख लें या चावल रख लें, दाल रख लें, कोई भी चीज है जिसको आप ये कहते हैं किलोग्राम में, उसको यहाँ रखते हैं। तो क्या इसमें क्या कि मैंने उसको कहा जाके कि 5 किलोग्राम मुझे क्या चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, चने चाहिए, कोई भी चीज है, तो वो मैं उसको जब तक ये चीज नहीं बताऊंगा तो वो तब तक समझ नहीं सकेगा कि 5 क्या चाहिए या 10 क्या चाहिए। तो ये जो चीज होती है उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसे बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास, यूनिट है। जब तक हमारे पास यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं बताएंगे तो किस तरह हम एक चीज को परचेज कर सकते हैं। इसको अब देखते हैं कि बिरौनी मुल्क जाते हैं, हम वहां जाके कहते हैं कि हमें 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो उनके उनका मापने का, पेट्रोल मापने का कोई अलग होगा, तो वो कहेंगे कि 5 लीटर क्या होता है, क्या चाहिए आपको। तो या हम मैं वहां जाके कहता हूँ मुझे 5 किलो चीनी चाहिए या 5 किलो चावल चाहिए, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए एक 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड की गई पेरिस में 1960 में, 1960 में। तो जितने भी बालक आपस में इंटरेक्शन थे, इंटरनेशनल का मतलब यही है कि जो सारी दुनिया है, इंटरनेशनल क्वांटिटीज है सारी, उसमें जो आती है, उन्होंने क्या कहा कि जो लिक्विड चीज है ना, जिस तरह पेट्रोल है, इस तरह की सारी चीजें, इनको मैयत करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसका नाम है हम क्या, किलोग्राम। किसको कहेंगे कि जब भी किसी ने लिक्विड चीज की बात करनी है तो वो किसमें करेगा, किलोग्राम। इसी तरह अब लेंथ है, किसी चीज को मापना है तो उसके लिए हम किलोमीटर को इस्तेमाल करेंगे, ये सारे अप्लाई करेंगे। उसके बाद है मास है, ठीक है, उसका भी यही है। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो थे उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये बोल्टी वाले से बहुत ज्यादा है, मैं इसे मजीद बुक से आपने स्टडी करना है। आपकी स्क्रीन पे एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी बेस यूनिट्स की। बेस यूनिट्स हमने 7 को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ को। लेंथ का सिंबल है, लेंथ जो लेंथ है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, इसका यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल है एम। उसके बाद हम देखते हैं मास, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो सिंबल है वो है केजी। इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम आई से करते हैं और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है और इसका जो सिंबल है वो ए, कैपिटल ए। उसके बाद हम देखते हैं टाइम को, टाइम है सेकंड, इसको एस के साथ इसका जो यूनिट है वो सेकंड है और इसका जो सिंबल है वो है एस। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो कैंडेला है, जिसे हम सिंबल जो है उसको सी डी करते हैं। टेम्परेचर टी है, केल्विन इसका यूनिट है और इसको के से इसका जो सिंबल है वो के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एन है और जो मोल है और उसको एम ओ एल से हम इसको जो सिंबल है उसको लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेस यूनिट्स की समझ आ गई होगी। आपको डिराइव्ड यूनिट्स की जो पिक्चर है वो आगे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है वो है स्पीड। स्पीड को, स्पीड का जो सिंबल है वो है वी और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखें, पीछे मैंने कहा था आपको कि बेस क्वांटिटी से मिलके ड्राइव्ड यूनिट्स, बेस जो है हमारी बेस क्वांटिटी है उससे मिलके हमारे पास ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। जिस तरह
अब हमने मीटर है, तो मीटर किसका बेस में याद करें क्या था, लेंथ। तो यहाँ किसको एक दफा इस्तेमाल हुआ है, लेंथ को, और पर सेकंड, सेकंड किसका था, टाइम का। तो टाइम और लेंथ को मिला के हमारे पास क्या आती है, स्पीड। आगे देखते हैं एक्सीलरेशन, यहाँ क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। मीटर एक दफा इस्तेमाल हुआ है, यानी लेंथ को एक दफा इस्तेमाल किया है और टाइम को दो बार इस्तेमाल किया है, तो क्या हमारे पास आया है, एक्सीलरेशन। उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूटन, यहाँ आप देखें इसका जो यूनिट का सिंबल है, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो इट्स मीन कि आप ने क्या किया, फोर्स के जो यूनिट है उसको किससे मिलता है, ये किलोग्राम। किलोग्राम में आप देखें हमारे पास क्या था, मास, ये मास से मिलके जो बेस यूनिट्स हैं हमारे, मास वगैरह उससे मिलके ये आगे मजीद ड्राइव यूनिट्स बनता है। मजीद आप देख सकते हैं नीचे जितने भी हैं इनको किसी ना किसी बेस यूनिट से लेके बेस क्वांटिटी से मिला के आगे ड्राइव क्वांटिटीज में तब्दील किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की बिल्कुल समझ आ गई होगी। मजीद आप बुक से डिस्कस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दोनों की बिल्कुल समझ आ गई होगी, ये किस तरह बनते हैं आपस में। तो जो आज हमने 1.2 और 1.3 लेक्चर कवर किया, इसमें जो बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेस यूनिट्स का पूछ सकता है, ड्राइव यूनिट्स का पूछ सकता है, बेस क्वांटिटी का पूछ सकता है, ड्राइव क्वांटिटीज का पूछ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, आपने बुक से याद कर लेना है। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड में बहुत ज्यादा दफा दो नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने इसको बुक से लाजमी याद कर लेना है। और ये यूनिट है ये एमसीक्यूज के तौर पे बेशुमार आते हैं, तो आपने इनको भी फर्दर फर्दर डिस्कस कर लेना है, बुक से याद कर लेना है। मजीद हम ये जो हमारे पास यूनिट है, आगे चल के हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, तो हर न्यूमेरिकल के साथ हमने इसको लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज हमारा जो है वो न्यूमेरिकल गलत भी हो सकता है और नंबर भी काटे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कुछ रहता हो तो वो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है किसी भी किस्म का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।